नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह पूनिया, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़, आप सब से मुखातिब होते हुए अपने विद्यालय की उपलब्धियों से आपको रूबरू करवा रहा हूं। श्रीमान, 1927 में स्थापित यह बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा विद्यालय है, जिसमें 1626 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस विद्यालय में विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु विज्ञान, वाणिज्य, कृषि एवं कला संकाय के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा की भी सुविधा उपलब्ध। आईसीटी लैब, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु संदर्भ कक्ष एवं नए नए इनोवेशन हेतु शानदार अटल टेकरिंग लैब उपलब्ध है। यहाँ की अटल टेकरिंग लैब विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने एवं नए नए इनोवेशन करने हेतु एक सुनहरा प्लेटफार्म उपलब्ध करवा रही है। लैब प्रभारी श्री हनुमान गिरा के दिशा निर्देशन में यहाँ के विद्यार्थियों ने अनेक नवाचार जैसे सुपर बाइक, ड्रोन, आर्टिफिशियल हैंड एवं विभिन्न प्रकार के मॉडल तैयार किए। इस अटल टेकरिंग लैब के माध्यम से विद्यार्थियों में नए नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। यह लैब इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति एवं नेतृत्व के गुणों को विकसित करने हेतु शाला में शानदार प्रार्थना स्थल उपलब्ध है। सह शैक्षिक गतिविधियों की बात की जावे तो यहाँ NCC, NSS, स्काउट एवं खेल की सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में मैं हरमानगीर, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, इस विद्यालय में पदस्थापित हूँ तथा मुझे इस विद्यालय के संस्था प्रधान ने अटल टिंकरिंग लैब प्रभारी बनाया है। ये लैब हमारे स्कूल में पिछले 17 से ही शुरू चालू हुई थी, तो एक या डेढ़ साल के अंदर हमने हमारे बच्चों की सहायता से इस लैब के अंदर बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, जिनमें से कुछ इनोवेशन एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं मैं। देखिए, ये हमारे इस एटेल लैब के अंदर ऑटो टोल, इसी प्रकार से ये देखिए हम सुपर बाइक बना रहे हैं, जिसमें एक बच्चा साइकिल के अंदर इंजन सेट कर रहा है। इस बाइक की विशेषता है यह बैटरी से भी चल सकती है, पेट्रोल से भी चल सकती है, ये दोनों ही काम न करे तो पैडल से भी चल सकती है। इसी प्रकार से यह हमारा ड्रिलिंग स्टेशन है, जिसमें बच्चा कुछ सीट पर काम कर रहा है। इसी प्रकार से आगे देखिए, इधर वापस ये बाइक, और इस साइड देखिए आप, ये इंजन का जो मॉडल है, इस मॉडल के आधार पर इस बाइक को सेट कर रहे हैं हम। और ये ऑटो रेड लाइट है का जो मॉडल है बच्चा तैयार कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए आगे हम और मॉडल जो तैयार किए हमने, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमने ड्रोन तैयार किया है, हमारे लैब के अंदर बच्चों ने खुद तैयार किया इसको, और 26 जनवरी को इसी ड्रोन से हमने तिरंगा फहराया था, और हमारे विद्यालय में एक प्रोग्राम हुआ था, ADPC महोदय आए थे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की थी। तो ये ड्रोन हमारे बच्चों ने खुद ने तैयार किया है,
हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं। इसी प्रकार से ये देखिए ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। इस प्रोजेक्ट को में तीन मॉडल काम में आ रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी सेवर। इसी प्रकार से ये देखिए इधर ये बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है बच्चों ने, इसमें किसी भी घुसपैठ होने की जो संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसी प्रकार से ये हमारा सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर है जो कि हमने जिला स्तरीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार से ये देखिए ये ऑटो व्हीलचेयर है, और इसी प्रकार से आगे ये इलेक्ट्रॉनिक किट, और इसके आगे जैसे ये रोबोटिक्स है। पिछली बार हमारा राष्ट्रीय स्तर पर बेंगलोर में हमने हमारे विद्यालय का चयन हुआ था और वहाँ पे हमने भाग लिया था। तो बहुत सारे मॉडल हमने हमारे इस लैब के अंदर तैयार किए हैं, जिसका संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्किंग में हैं। देखिए ये इधर से हमने पासवर्ड आधारित लॉक तैयार किया है, ये हमारा हमने एल्कोहल डिटेक्टर तैयार किया है। इसी प्रकार से आगे देखिए ये ईवीएम मशीन हमने तैयार की है। इसी प्रकार से ये देखिए डिस्टेंस मीटर वगैरह तैयार किया हमने, और यहाँ पे ये ब्लाइंड स्टिक हमारे बच्चों ने तैयार किया लैब के अंदर। इसी प्रकार से ये रेन सेंसर, इसी प्रकार से एक व्हीकल तैयार किया है जो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही कम होती है इसमें। इस प्रकार से हमने लैब में बहुत सारे मॉडल तैयार किए हैं। और आगे खेल हेतु एथलेटिक्स का 70 पर्यंत केंद्र संचालित है। यहाँ खिलाड़ियों हेतु आधुनिक जिम हॉल, 400 मीटर ट्रैक, सभी खेलों के मैदान उपलब्ध हैं। इस विद्यालय के होनहार खिलाड़ियों ने कोच श्री जसवंत सिंह पूनिया के दिशा निर्देशन में न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर शाला को गौरवान्वित किया है। संक्षेप में कहूँ, जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देखोगे कि इस विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।